हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजे कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 की हिंदी ग्रामर, और आज का हमारा विषय होने वाला है उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, क्योंकि हमेशा एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के इससे हमेशा आते हैं। दे देते हैं, कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि उससे उपसर्ग अलग करें। कभी दिया जाएगा उपसर्ग के कुछ शब्द दे देंगे, कुछ वर्ड दे दिया जाएगा और उससे उपसर्ग बनाने के लिए रहते हैं। तो इसमें हम लोग उस बारे में भी बातें करेंगे, हम जानेंगे कि उपसर्ग कैसे बनाया जाता है, उपसर्ग को मूल शब्द में कैसे जोड़कर हम एक शब्द बना सकते, उपसर्ग है क्या। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जानेंगे कि उपसर्ग है क्या, उसके बारे में अब हम जानेंगे कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। तो दूसरे में हम क्या जानेंगे कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं, आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि उपसर्ग के ये प्रकार है सारे। जैसे सबसे पहले है तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तो ये सब किसे कहते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे जाकर बातें करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बातें करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में हमेशा आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपसर्ग है क्या। तो हम सबसे पहले उपसर्ग देखेंगे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, नए शब्दों की रचना के लिए। जैसे यहाँ मैं अभी आप लोगों को उदाहरण देके समझाऊंगी कि कैसे उपसर्ग बनाया जाता है, कैसे उपसर्ग को जोड़ा जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि इसमें उपसर्ग कौन से, उपसर्ग आप बताएं हमें। उसके बाद है नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्दों के आरंभ में या उनके आगे कुछ शब्दांशों को जोड़ दिया जाता है। तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कभी भी लगता है हमेशा आगे लगते हैं, किसके आगे लगते हैं, मूल शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे रखता है हमेशा उपसर्ग, तब जाके बनते हैं शब्द। और मूल शब्द तभी होगा जब मूल शब्द जो होते हैं ना उसके भी अर्थ होनी आवश्यक है, मूल शब्द का अर्थ हमेशा होता है। और जो आप शब्द बनाएंगे उपसर्ग जोड़कर मूल शब्द में, उसका भी अर्थ होता है, बिना अर्थ के वो उपसर्ग फिर नहीं बनेंगे, इसके मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जब हम किसी मूल शब्द के आगे किसी उपसर्ग को जोड़ते हैं, किसी उपसर्ग को मिला के एक शब्द बनाते हैं, तो उसका अर्थ जो होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, वो बदल जाता है। जैसे मैं अभी कहूँ सिर्फ कहूँ कार, ये हो गया मूल शब्द, जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ सिर्फ कार, लेकिन अगर मैं इसके आगे जोड़ दूं आ उपसर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, जोड़कर आकार, ये हो गया आकार। तो ऐसे जब हम उपसर्ग को मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले यहाँ कार था, हम समझे कि सिर्फ कार है, लेकिन जब मैंने इसके आगे आ जोड़ दिया तो इसका क्या हो गया, शब्द में भी परिवर्तन आ गया। अब वो क्या बन गया, पहले कार थे, कार से अब क्या बन गया, आकार। आकार होते ना किसी चीज के, जैसे बोलते इसके आकार क्या है। अब उसके बाद क्या है, भाषा के वे अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्दों में आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शब्द जो होते हैं ना, छोटे शब्द होते हैं मूल शब्द, जिसके आगे में हम उपसर्ग को जोड़ देते हैं और तब जाकर वो बनते हैं एक नया शब्द। नया शब्द बनते हैं, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं, कभी पीछे नहीं जुड़ता, उपसर्ग हमेशा कहां जुड़ता है, आगे, मूल शब्द के आगे। और मूल शब्द के आगे जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो मूल शब्द का जो अर्थ रहता है पहले, लेकिन उपसर्ग जोड़ने के बाद क्या होता है, मूल शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन आता है, वो बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। अब हम यहाँ जैसे कि आगे देखेंगे कि कौन कौन से उपसर्ग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ उपसर्ग है परा, परा है, और इसके इसमें हम लोग क्या जोड़े हैं, जय, तो क्या हो गया, पराजय, मूल शब्द क्या है हमारा, जय, और इसके आगे क्या जोड़ दिया हम, परा, तो क्या बन गया ये, पराजय। अब उसके बाद है दूसरा उपसर्ग हम देखेंगे क्या है, अब, आपा, अब ये था मान, मान के आगे हम लोग जोड़ दिए अब, तो क्या हो गया ये, अपमान, इसके आगे जोड़ेंगे, जैसे यहाँ है जोड़ दिया, ये था मूल शब्द हमारा, मान क्या था, मूल शब्द, लेकिन उसके आगे में हमने क्या जोड़ दिए, अब, तो वो जाके क्या बन गया, अपमान। अब देखेंगे हम तीसरा, जैसे यहाँ है आ, सिर्फ आ है, और यहाँ हार जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, आहार। अब देखेंगे ये अनु है, अनु के बाद में अनु हम लोग पहले जोड़े, ठीक है, और ये था कूल, मूल शब्द हमारा था कूल, तो क्या जाके बन गया ये, अनुकूल। अब है ये अधि,
और हमारा मूल शब्द क्या है, कार। तो अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पहले कार का अर्थ जो तो अलग है, कार हम समझते हैं हाँ एक कार है, लेकिन अगर हम उसके आगे अधि जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अधिकार। यहाँ आगे ना इसके शब्द में भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग उपसर्ग आगे जोड़ रहे हैं मूल शब्द के आगे, जैसे उपसर्ग जोड़ रहे हैं क्या हो रहा है, उसका अर्थ में भी परिवर्तन आ जा रहा है। जैसे यहाँ है सम, ये आधम है, ये क्या है आधम है, पूरा मान नहीं है, ये आधम है सम, और यहाँ क्या जोड़ दिया हम लोग मान, तो ये क्या हो जाके बन गया सम्मान। यहाँ जैसे निर, ये आधा रह, ये निर कैसे लिख सकते, एक ऐसे रा होता है फिर एक किसी में ऐसे रा होता है, तो ये वो वाला रहा है, ये ऐसे नहीं लिखना। जैसे यहाँ है वाह जोड़ दिए तो हम लोग क्या बन गया यहाँ निर्वाह। तो उपसर्ग जो होता है ना उसे पहचानना काफी आसान होता है। यहाँ उपसर्ग में हमेशा कभी भी जो यूज होता है ना वो छोटी मात्रा यूज होती है, जैसे बड़ी की मात्रा कैसे होती है ऐसे होती है, लेकिन उपसर्ग जब भी आप देखोगे ना हमेशा उसमें छोटी उ की मात्रा रहेगी, छोटी ई की मात्रा रहेगी, हमेशा हमेशा जो भी होगा उसकी मात्रा छोटी ही होती है, तब हम जाके उपसर्ग को पहचान लेंगे। उपसर्ग के जो शब्द है, यहाँ कुछ शब्द मैं यहाँ लिखी हूँ उपसर्ग, जिसे आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उपसर्ग क्या है, क्योंकि हमेशा ऐसे दे देगा आपको, यहाँ जैसे है ना ये सारे वर्ड्स दे देंगे, ये सारे शब्द दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इससे आप उपसर्ग अलग करें, या फिर मूल शब्द में आप उपसर्ग जोड़ के लिखे। तो कैसे यहाँ जैसे दे दिया है, सिर्फ यहाँ जय दे देगा, अब आगे में आपको उपसर्ग जोड़ने देगा, तो उपसर्ग आप क्या जोड़ोगे परा, परा जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी पराजय। यहाँ जैसे दे दिया मान, आप आगे में जोड़ दी अब, तो क्या हो गई अपमान। अब बोलेगा कि इसे उपसर्ग को आधा करें, शब्द यहाँ एक शब्द बन गया अपमान, लेकिन अगर हमें उपसर्ग को आगे आगे, हमेशा उपसर्ग कहाँ रहता है आगे, तो हमें उसे आगे वाले से अलग कर दें, तो हम क्या करेंगे अब को अलग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपमान। अपमान था, मान जोड़े थे तो अपमान हुआ था, लेकिन उपसर्ग अलग कर देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा मूल शब्द में मान, और उपसर्ग क्या हो जाएगा अप, तो ये हो गया अपमान। तो हमें उपसर्ग कैसे, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो एग्जाम्स में हमेशा आते हैं क्वेश्चन, जैसे एक शब्द दिया जाएगा आपको, कोई भी शब्द दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि इसे उपसर्ग को अलग करें या फिर इसमें उपसर्ग जोड़े, तो आपको इस तरह से जोड़कर लिखना है। जैसे यहाँ ज्यादातर उपसर्ग आते हैं ना, जैसे यहाँ मैं लिखी हूँ परा आ आ अति अभी, अभी है ना, अभी में हम लोग जैसे यहाँ लिखी हूँ मैं, यहाँ लिख दूँ अभी मान, तो यहाँ क्या जुड़ा है उपसर्ग, यहाँ क्या हो गया अभी, अभी हमारा क्या हो गया उपसर्ग, और मान क्या हो गया हमारा मूल शब्द, यहाँ हो गया सम, ये आधा मा है, यह निस ये भी आधा सा है, और ये प्रा। तो ये सब जो होते हैं ना ये हमेशा हमें उपसर्ग जो रहता है आगे लगता है, कभी भी हमें कोई वर्ड दे दिया जाए तो हमें उपसर्ग कैसे अलग करना है, हमेशा उसके पहले वाले शब्द को देखना है, सबसे पहले उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ था सम, तो हम लोग कैसे लिखेंगे आधा मा है, तो कैसे मा लिखेंगे हम लोग आधा, जैसे यहाँ है सा और फिर ये मा और इसमें ये हो गया आधा मा, तो ये क्या हो गया इससे उपसर्ग अलग हो जाएंगे। अब हम देखेंगे उपसर्ग के प्रकार, तो सबसे पहला कौन सा उपसर्ग का प्रकार है, तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग किससे आया है, तत्सम उसका वा उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में लाए गए हैं, ये जो सा है ना ये सा, ये संस्कृत का, ये संस्कृत का मतलब तत्सम में जो संस्कृत के कुछ वर्ड है कुछ शब्द है जिसको हिंदी में लाया गया उसे कहते हैं तत्सम उपसर्ग। अब तत्सम उपसर्ग के कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ देख लेंगे, जैसे ये हमारा हो गया उपसर्ग, ये है उसके अर्थ और ये है उदाहरण। जैसे यहाँ दिया हुआ नी, नी दिया हुआ है नी, और यहाँ हम लोग जोड़ दिए वारण, तो ये क्या हो गया नी वारन, तो हमारा उपसर्ग क्या है नी, तत्सम उपसर्ग हमारे क्या हो गया नी। और जैसे यहाँ दिया हुआ है उप, उपा उप, और हम यहाँ जोड़ दिए कार, तो ये क्या बन जाएगा उपकार। वैसे ही जैसे यहाँ है प्रति और यहाँ है प्रति, उसमें जोड़ दिया हम क्रिया, तो क्या बन गया ये प्रतिक्रिया। यहाँ है जैसे सु, यहाँ हम जोड़ दिए गम, तो क्या बन गया ये जाके सुगम। उपसर्ग को हमेशा दिमाग में रखना है ये चीज कि उपसर्ग हमेशा आगे लगती है और प्रत्यय जो होती है वो पीछे लगती है, जिसके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उपसर्ग जो होती है हमेशा आगे लगती है और वो जब भी लगती है ना उपसर्ग आगे जब भी लगेगी तो मूल शब्द जो रहता है उसका जो अर्थ रहता है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे अभी हम लोग देखे थे ना कि कार था, तो कार सिर्फ एक हम लोग समझे कि हाँ कार है, लेकिन उसके आगे में अगर हम लोग प्रा जोड़ दे तो प्रकार हो गया या फिर कुछ और जोड़ देंगे, तो मतलब जब उपसर्ग जुड़ेगा किसी भी मूल शब्द से तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन आएगा, तो उसके जब अर्थ में परिवर्तन तब वो जाकर बनता है उपसर्ग। और उपसर्ग को अलग करना बहुत आसान है, कैसे करना है, उपसर्ग हमेशा आगे लगती है, हमें आगे के शब्द देखना कि आगे क्या लगा है, आगे हम अलग करेंगे तो वो क्या रहेगा, तब हम जाकर आगे करेंगे। जैसे यहाँ है उपकार, जैसे यहाँ मैं लिखूं उपकार, ये हो गया उपकार। अब उपकार में से मैं आपको बोलूं कि इससे आप उपसर्ग को अलग कर दो
इसे तत्सम उपसर्ग को आप अलग कर दो। तो कैसे करोगे आप? ये हो गया उप जोड़ कार, तो ये क्या बन गया? उपकार। अब ये दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? उपकार। इसमें अर्थ में भी परिवर्तन आ रहा है ना, शब्द की अर्थ बदल रही है। और यहाँ सिर्फ था कार, वैसे जैसे यहाँ है सु, यहाँ जुड़ गया गामा गम, तो क्या होगी ये? सुगम। और यहाँ है जैसे आ, और यहाँ जोड़ दिया हम लोग जीवन, सिर्फ जीवन था, लेकिन जब आ जोड़ दिया तो क्या हो गया? आजीवन। अब हम देखेंगे कि हमारा दूसरा क्या है उपसर्ग। हम दूसरा उपसर्ग है, दूसरा उपसर्ग के प्रकार में है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग क्या है? यह उपसर्ग पूरी तरह संस्कृत से हिंदी में, किससे? संस्कृत शब्द जो होते ना, संस्कृत शब्द से लेकर आया गया है। पहले क्या होता था, संस्कृत ज्यादातर जो लोग थे बहुत पहले की संस्कृत बोलते थे, लेकिन संस्कृत बहुत कठिन होता है बोलना, इसलिए हम हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए संस्कृत के कुछ वर्ड्स को हिंदी में लाया गया है, हिंदी में उसे मिलाया, इसीलिए इसको हिंदी भी बोलते हैं। ये उपसर्ग को क्या बोलते हैं? हिंदी उपसर्ग भी बोलते हैं इसे। जैसे इसका उपसर्ग है आ, आ में अगर हमने जोड़ दिया गार अगर, तो क्या हो गया? अगर। काश जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आकाश। ये क्या है? कु, कु है, कु में जैसे हम लोग छोड़ दिए पुत्र, तो क्या हो गया? कुपुत्र। तो अगर इसे अलग करने दिया जाएगा तो कैसे, हम लोग को उपसर्ग अलग करना है तो कु अलग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सिर्फ बच जाएगा पुत्र। इसका अर्थ में भी परिवर्तन आता है, और मूल शब्द में हमेशा ध्यान देंगे, मूल शब्द तभी होगा जब उसका कोई अर्थ होगा, और उपसर्ग आपका तभी बनेगा जब वो उपसर्ग आप जो बनाओ उसका, उस शब्द का भी कोई अर्थ निकले, तब वो जाकर उपसर्ग बनता है। यहाँ है जैसे दू, यहाँ है बला, बला कर देंगे तो क्या हो गया? दुबला। यहाँ है पर है, अपर में हम लोग जोड़ दिए परदेश, देश जोड़ देंगे सिर्फ, यहाँ है पारा पर, ये हो गया हमारा उपसर्ग, लेकिन इसमें मूल शब्द देश, देश मूल शब्द हमारा, अगर हम उसे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा जाकर? परदेश। तो ये बन गया परदेश। तो ऐसे ही हमें वर्ड्स देखना है, जब भी आएंगे ना एग्जाम्स में आते दे दिया जाता है ऐसे कोई भी एक वर्ड, जैसे यहाँ दिया हो गया ना परदेश, वैसे आप लोगों को दे दिया जाएगा कुछ वर्ड्स दे दिया जाएगा, और उसे कहा जाएगा कि इससे उपसर्ग अलग, ये शब्द जो है इससे उपसर्ग अलग करे, या फिर इसमें उपसर्ग जोड़े। तो हमेशा याद रखना है उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ती, तो अगर आपको वो शब्द मिले तो हमेशा उस आगे से ही वो उपसर्ग निकालना, पीछे से नहीं निकालना, हमेशा आगे से निकालना है। और फिर पीछे जो आपका बचे ना मूल शब्द ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए, नहीं, मूल शब्द भी तभी होगा जब उसका भी कुछ अर्थ होता हो, तो ऐसा नहीं कुछ भी उपसर्ग निकाल दे, आपको देखना होगा कि मूल शब्द का भी अर्थ हो, हम समझ सके कि मूल शब्द का भी अर्थ है, और इसमें जब जुड़ा है तो इसका भी अर्थ हुआ, अर्थ में परिवर्तन भी होता है उपसर्ग का। तो ये हो गया था तद्भव उपसर्ग। अब हम देखेंगे कि हमारा तीसरा उपसर्ग क्या है। तो हमारा तीसरा क्या है उपसर्ग? आगत उपसर्ग। ये आगत उपसर्ग, जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें कहा जाता है आगत उपसर्ग। जैसे कि यहाँ है खुश, कुछ होते ना विदेशी भाषा जो हमारे इंडिया की नहीं, बाहर से, बाहर के कुछ अंग्रेजी भाषा हो गई, ये तो हमारे इंडिया की नहीं थी ना, ये बाहर से आई है, इसलिए वो भाषा के कुछ शब्द को लेकर उसे भी जब उपसर्ग जोड़ते हैं तो बनता है क्या है, उसे क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग। जैसे यहाँ है खुश, यहाँ है बू हम लोग जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया? खुश बू। यहाँ जैसे गैर, गैर में हम लोग जोड़ दिए गैर हाजिरी, तो ये हो गया गैर हाजिरी, गैर कानूनी। उपसर्ग हम लोग क्या जोड़ रहे आगे में? गैर। तो इससे हम लोग बन रहे क्या? शब्द बन रहे। जैसे कम, कम का यहाँ क्या हो गया? कमजोर, कमसीन। तो हम लोग यहाँ जितने भी ज्यादा हो सके ना शब्द जोड़ते हैं, उपसर्ग आगे रहता है, ये उपसर्ग है, इसमें जैसे कम है और यहाँ हम लोग, तो ये क्या बन गया? ये दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कम जोर। तो इसका अर्थ निकल रहा है वीक, थोड़ा। अल, जैसे यहाँ है अल, इसका अर्थ है निश्चित, तो यहाँ क्या है? अल बेला, हमने यहाँ क्या जोड़ दिए? बेला। तो ये क्या हो गया? अल बेला, जैसे यहाँ अल है, यहाँ हम लोग लिख दिए बेला, तो ये क्या बन जाएगा? अल बेला। अब उसके बाद क्या है? बद, ये बद है, अब इसके आगे हम लोग जोड़ दिए बू, तो ये क्या बन गया? बदबू, बदनाम, बुरा, जिसका अर्थ है बुरा। तो ऐसे हमेशा उपसर्ग आप जब भी देखोगे ना, उपसर्ग आपको कभी भी आएगा बनाने, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? आगे जुड़ता है, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है। तो कोई भी अगर आपको शब्द दिया जाए तो हमेशा उपसर्ग उससे आगे से ही निकाल, ऐसे नहीं कि हम कहीं से भी उपसर्ग निकाल ले, कुछ भी निकाल ले, नहीं, उपसर्ग हमेशा आगे होता है, और मूल शब्द का भी अर्थ होता है, मूल शब्द के अर्थ में तभी परिवर्तन आता है जब उसमें उपसर्ग जुड़े, तो उपसर्ग जुड़ेगा मूल शब्द में तब जाके का अर्थ बदलेगा। तो इसलिए जब भी उपसर्ग आप बनाओ या फिर कोई शब्द दिया जाए एग्जाम्स में, तो हमेशा उसके आगे के शब्द देखना है। जैसे यहाँ मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे यहाँ मैं लिखी हूँ अधि, अधि है, ये क्या है? उपसर्ग। अब यहाँ मैं जोड़ दूं कार, ये हो गया हमारा मूल शब्द, तो ये जाकर क्या बन जाएगा? अधिकार। अब यहाँ अगर मैं अब दूसरा
शब्द मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जैसे ये है लिखी हूँ मैं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में यहाँ उपसर्ग कौन सा आएगा हमारा, यहाँ उपसर्ग क्या हो गया प्रति, क्योंकि अगर हम इससे दिन अलग करेंगे तो दिन का भी अर्थ हमें समझ में आ रहा है ना, दिन है डे हो गया, लेकिन इसमें प्रति जो दिन, प्रतिदिन मतलब डेली, अर्थ में परिवर्तन ऐसे आता है ना, तो इससे क्या अलग होगा उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा इसमें प्रति, प्रति हमारा क्या है उपसर्ग है। अब उसके बाद हम देखेंगे कुछ और, जैसे यहाँ मैं लिख दूं, जैसे यहाँ है कम, कम है यहाँ सिर्फ कम है ठीक है, लेकिन यहाँ मैं लिख दूं ये हो गया कमजोर। अब इससे अगर आपको दिया जाए अलग करने आगत उपसर्ग अलग करें, तो कैसे आप अलग करोगे, ये आग, ये जोर का अर्थ है, जोर का अर्थ हमें समझ में आता है कि हाँ जोर मतलब कुछ चीजें जो जोर है, कुछ भी हो सकता है ना, आवाज जोर है ये जो भी बोल सकते हैं, तो लेकिन इसका भी अर्थ निकला, मूल शब्द का हमेशा अर्थ होना चाहिए इसलिए। और ये क्या हो गया कम, कम है, कम को कम हमारे क्या हो गया आगत उपसर्ग। अब हम देखेंगे पहले जाकर कि हम यहाँ है, जैसे मैं आप लोगों को परा, ये ना कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा उपसर्ग में ही आते हैं, और हमेशा याद रखना उपसर्ग में कभी भी कोई भी शब्द आएगा ना, आगे का शब्द हमें निकालना होगा उपसर्ग, वो हमेशा छोटी मात्रा होती है, कभी बड़ी मात्रा नहीं होती, हमेशा छोटी होती है। जैसे यहाँ प्रति, उप, अपि, अधि, जैसे यहाँ मैं लिखूं अधिकार लिख दूं और बोलूं आपको कि इससे उपसर्ग अलग करना है, तो कैसे आप उपसर्ग अलग करोगे, तो यहाँ दिख रहा है मैं अधि, तो यहाँ मैं लिख दूं अधि, तो ये हो गया उपसर्ग हमारा। और यहाँ है जैसे औ है, ये हो गया औगुण। अब इससे हमें उपसर्ग अलग करना है, तो हम कैसे उपसर्ग करेंगे, अलग कैसे करना है हमें उपसर्ग, यहाँ उपसर्ग क्या है हमारा औ, आ और वा, क्योंकि ये गुण है, गुण जो है हमें समझ में, औ गुण हम पढ़ते भी ना, दो शब्द अलग अलग करके जोड़ के मिला कर पढ़ते हैं, वैसे गुण का भी अर्थ है, तो जब इसमें औ जुड़ गया तो ये क्या बन गया औ गुण, तो हमारा उपसर्ग क्या है इसमें औ है, और मूल शब्द क्या है गुण। यहाँ है प्रति, प्रति का हो गया जैसे प्रतिदिन, नी है जैसे यहाँ हो गया नी, नी निर्वाह ऐसे कर, निर्वाह निर्वाह है, तो अब हम इसे कैसे अलग करेंगे, आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना नी, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, अगर हम लोग सिर्फ नी लिख देंगे ऐसे नी तो ये गलत हो जाएगा, ये सही लग रहा नहीं लग रहा, लेकिन अगर ये रा है, ये रा को हम इसे कैसे लिखा जाता है, जैसे ये रा है, ये रा को हम लोग कैसे लिखेंगे अलग करके, सिर्फ यहाँ लिख देंगे हम लोग नी रा और ये आधा, तो ये क्या हो गया निर, और ये फिर वह अलग हो जाएगा, फिर वह क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा निर्वाह, ये आधा रहा है तो ये आधा रहा जाके यहाँ हो गया, यहाँ आ जाता है ऊपर आ गया ये रहा तो निर्वाह हो गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखने की उपसर्ग कभी भी कोई भी शब्द आए उपसर्ग बनाने के लिए तो हमेशा उसके आगे के जो शब्द होते ना उसे अलग करना है, उसे कैसे अलग करना है ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि उपसर्ग जो होता है वो हमेशा छोटी मात्रा का होता है और उसे जब अलग करो तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अभी मैं आप लोगों को दे रही हूँ एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ है, यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ लिख दूं प्रत्ये, अब इसे कैसे लिखोगे, इसमें उपसर्ग आप कैसे अलग करोगे, यहाँ तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर मैं बोलूं उपसर्ग अलग करना, जैसे प्रा है और ये आधा ता है या में एक आय की मात्रा है और का है, तो इसे कैसे अलग करना है, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं और तालिक दो पूरा तालिक, तो ये कुछ हो रहा है, ये कोई शब्द बन रहा है नहीं बन रहा है, ये उपसर्ग क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा गलत, लेकिन ये जो होता है ना ता, ता और फिर ये या, ये एक आर की मात्रा नहीं जोड़े, सिर्फ ता और या, आधा ता और या को जोड़ने से कौन सी आवाज आती है ई की, कौन सी आवाज आती है ई की, तो ता और या को जोड़ने से हमेशा ई की आवाज आती है, तो इसको कैसे अलग करना होगा हमें, इसको अलग करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ देखना होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक, तो हम इसे कैसे अलग करेंगे, अलग करने के लिए हमें जैसे ये हो गया है, ये हो गया हमारा रा और ये ता, ये जो ता है ना ता और या ऐसे होगा प्रति जोड़ एक, तब ये जाके क्या बनेगा प्रत्येक, तो हमेशा जब आधा ता और या रहे तो हमेशा ई की मात्रा होती है वहां, जैसे यहाँ है ना हमेशा वैसे ही हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि हम जो भी करें जो भी शब्द उपसर्ग को अलग करें तो उसे ध्यान रखें, उपसर्ग हमेशा आगे होता है, ऐसे नहीं कुछ भी वर्ड हम कहीं से भी ले ले और कुछ भी कर दे तो वो नहीं होता उपसर्ग, उपसर्ग को बनाने के लिए मूल शब्द के आगे रखते हैं, मूल शब्द का होना जरूरी है, मूल शब्द का अर्थ होना जरूरी है, और फिर मूल शब्द को जब आप उपसर्ग से जोड़ दो तो उसके अर्थ में परिवर्तन भी आना जरूरी है, तब जाके बनता है उपसर्ग। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसके आगे आपको बताऊंगी कि प्रत्येक क्या है, प्रत्येक के कितने प्रकार होते हैं,
कौन कौन से प्रकार है उसके, और हम लोग आगे जाके ऐसे ही कुछ शब्द लेंगे उपसर्ग के जो एग्जाम्स में हमेशा सबसे ज्यादा आते हैं और जो बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके आगे हम लोग जानेंगे क्वेश्चन आंसर। मैं नोट्स भी दूंगी आप लोगों को आगे वीडियोस में, तो इसलिए मेरे साथ हमेशा बने रहना ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो में जो भी रहे, जितनी भी मैं बनाऊं ये उपसर्ग के बारे में, जो भी आपको वो वीडियोस मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।